नमस्कार जय श्री कृष्ण प्रणाम ज्योतिष के छोटे छोटे विषयों को हम आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास करते हैं आप किसी ने पूछा है कि पति पत्नी के साथ जीवन में बिस्तर का सुख कैसे देखें कहाँ से देखें तो हम आपको इस विषय में थोड़ा अवगत करा देते हैं विस्तर का सुख यानी शयन कक्ष का सुख अगर देखना है तो जन्म कुंडली में बारहवें घर से देखना चाहिए अब बारहवें घर में शुभ ग्रह बैठा है या बारहवें घर का स्वामी अशुभ ग्रहों के साथ बैठा है अथवा बारहवें घर पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि या शुभ ग्रहों की दृष्टि है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है उदाहरण के लिए हम आपके सामने एक चार्ट जो कि बना रखा है यहां से जातक का लग्न से ठीक द्वादश भाव यह व्यय भाव है छय भाव है भोग भाव है सदैव द्वादश भाव भोग व्यय इत्यादि माना जाता है और यही द्वादश भाव से आपको जो कोर्ट कचहरी का मुकदमे का विचार जेल खाने का विचार भी किया जाता है अब देखिए कैसे यहां का एक सूत्र मिलता है जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव मां का सुख है सप्तम भाव पत्नी का स्थान है पत्नी के साथ सुख होगा या नहीं होगा एक अलग बात है पत्नी जो आएगी वो मां के साथ यानी अपने सास के साथ ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करेगी सप्तम भाव का स्वामी बताएगा लेकिन आपके साथ बिस्तर का सुख बेईमानी या ईमानदारी का जो विषय है वो बारहवा घर बताएगा बारहवा घर यदि यहां उदाहरण के लिए आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं छोटा सा विषय यदि यह मेष राशि है यहां पर यदि यहां पर मंगल बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति बिस्तर का सुख कुछ ज्यादा ही लेता है वो किसी को भी हम बिस्तर बनाने का प्रयत्न करता है ठीक है बारहवें घर में मंगल हुआ तो अब बारहवें घर में मंगल होना अर्थात क्रूर ग्रह होना बिस्तर के सुख को ज्यादा लेने की अपेक्षा से कई बार इसको जेल खाना इत्यादि का वो भी देखना पड़ जाता है परंतु यदि जन्म कुंडली में यहां सौम्य ग्रह बैठे हो जैसे यहां शुक्र बैठा हो तो बिस्तर का सुख बढ़िया मिलेगा या यहां का स्वामी जो मंगल है शुक्र के साथ कहीं बैठा हो तो भी बिस्तर का सुख मिल सकता है तो आपके प्रश्न के अनुसार इतना जानना जरूरी है कि बारहवें घर में यदि राहु बैठे हैं तो बिस्तर का सुख नहीं मिलेगा बारहवें घर में केतु बैठे हैं तो मोक्ष मार्ग खुलता है बारहवीं घर में सूर्य बैठे हैं तो बिस्तर का सुख नहीं मिलेगा बारहवीं घर में बुद्ध बैठे हैं तो बिस्तर का सुख निपुण होगा निपुण निम्न होगा क्यों क्योंकि बुद्ध को नपुंसकता प्राप्त हो जाती है और ये द्वादश भाव शनि का स्थान है यदि बुद्ध यहां बैठेगा तो व्यक्ति में थोड़ा वीकनेस आ जाएगी यानी भोग भाव में वो प्रबुद्ध नहीं होगा इंद्रिय तंत्रिकाएं उसकी शिथिल रहेंगी। बारहवीं घर में बृहस्पति का होना जातक को भोग योग दोनों देगा। यहां पर शनि देव का होना इस बात का सूचक है कि जातक कई अन्य महिलाओं के साथ हम बिस्तर होने की इच्छा करेगा तो बारहवीं घर का स्वामी यदि कहीं बैठा हो मान लो बारहवें घर का स्वामी व्यक्ति के चतुर्थ घर में बैठ जाए तो व्यक्ति को अधिक सुख लेने के कारण वो अपने घर द्वार इत्यादि को भी बेच करके बिस्तर के सुख की अपेक्षा करता है बारहवें घर का स्वामी आठवें घर में बैठ जाए तो जातक को अपनी पत्नी का सुख अच्छा नहीं मिल पाएगा इसी प्रकार बारहवीं घर का स्वामी यदि छठे बैठ जाए तो भी पत्नी रुग्ण रहेगी इसलिए बिस्तर के सुख वाले जो ग्रह हैं विशिष्ट रूप से सौम्य ग्रह अगर यहां बैठे होंगे तो बिस्तर का सुख मिलेगा शयन कक्ष का सुख मिलेगा अन्यथा शयन कक्ष का सुख आपको नहीं मिलेगा क्योंकि सूर्य अलगाववादी है तो आपस में मतभेद पैदा कर देते पति पत्नी में चंद्रमा सौम्य है परंतु चंचल होते हैं इसलिए बारहवें घर में चंद्रमा के होने पर भी जातक के अंदर चंचलता तो लेकिन कलंक लगता है इसी प्रकार से मैंने आपको मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु सबके बारे में बताया तो बारहवें घर से बिस्तर का सुख देखा जाता है इसलिए मैंने आपको जो प्रश्न था उसका जवाब दिया अब आप अपने अनुभव हमें जरूर शेयर करेंगे कमेंट में विदा लेते हैं नमस्कार जय श्री कृष्ण प्रणाम